हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ आज नया वीडियो लेकर आपके सामने। तो मैंने पहले पिछले दो वीडियो में दो प्रैक्टिकल के विषय में डिस्कस किए थे। वो था एक पोलरीमीटर और एक था वो न्यूटन्स रिंग, ठीक है। तो मैंने बोला था कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है और ट्रांसवर्स वेव का थ्री प्रॉपर्टीज होता है। एक होता है पोलराइजेशन, दूसरा होता है इंटरफेरेंस और तीसरा होता है डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो पोलराइजेशन होता है उसका हम प्रैक्टिकल देखा पोलरीमीटर में, इंटरफेरेंस होता है उसका हम देखा प्रैक्टिकल वो न्यूटन रिंग में। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है डिफ्रैक्शन, जो प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्स वेव का, उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो वो जो एक इक्वेशन है, हमको स्लिट के बारे में क्या पता है? एक सिंगल स्लिट होता है, एक डबल स्लिट होता है और ग्रेटिंग होता है जिसमें दो से अधिक स्लिट्स हो, ठीक है, तीन चार पांच जितना भी हो। तो जब दो से अधिक होगा तभी उसको ग्रेटिंग बोलते हैं। ग्रेटिंग, इसलिए दो से अधिक स्लिट होगा तो मान लेते हैं स्लिट का विड्थ जो है वो ए है, ठीक है, वो ए है। उसके साथ ये दोनों स्लिट के बीच में जो डिफरेंस है मान लेते हैं वो बी है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है। ग्रेटिंग एलिमेंट के को और एक चीज से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, वो है ग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ग्रेटिंग एलिमेंट और ग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते हैं स्लिट विड्थ और दोनों स्लिट के बीच में जो डिफरेंस है वो दोनों को ऐड करने के बाद। और एम इक्वल टू अगर ए प्लस बी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसको बोलते हैं द नंबर ऑफ रूलिंग्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पर यूनिट लेंथ। तो अभी एक इक्वेशन है तो हमको यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड करना है। बोली दिए हैं कि मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ द सोर्स बाय यूजिंग प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। तो एक इक्वेशन है यहाँ पे, जिस इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करके हम ये पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो है ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अब एन क्या होता है? एन है फ्रिंज का जो ऑर्डर होता है उसका नंबर है एन, और लैम्डा है वेवलेंथ, सबको पता है, ठीक है। तो ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ये इंप्लाई क्या करता है? साइन थीटा इक्वल टू एन एम एन लैम्डा बाई ए प्लस बी। तो वन बाई ए प्लस बी हमने बोला कि एम है, तो एम एन लैम्डा ये है जो इक्वेशन। अब हमको लैम्डा फाइंड करना है, किसी किसी प्रैक्टिकल में एम भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लैम्डा क्या होगा? साइन थीटा इक्वल डिवाइडेड बाय एम एन। ऐसे करके हम ये इक्वेशन से हम वेवलेंथ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें जरूरी जो दो बात है, तीन बात है, थ्री पॉइंट्स, हमको तीन चीजों का वैल्यू लगेगा उसके बाद ही हम लैम्डा का इवेल्युएशन कर सकते हैं। एक है थीटा, ये थीटा क्या है ये जानना जरूरी है,
ग्रेटिंग का नंबर ऑफ रोलिंग्स पर यूनिट लेंथ कितना है वो जानना जरूरी है, और एक चीज जानना जरूरी है, वो फ्रिंज का ऑर्डर नंबर कितना है। तो मैं एक सीक्रेट चीज आपको बता देता हूं, अगर किसी ग्रेटिंग में नीचे लिखा हुआ है 7500 लाइंस पर इंच, ठीक है, लाइंस पर इंच लिखा हुआ है, तो 7500, ठीक है, तो एक इंच से एक सेंटीमीटर का कितना होता है, 2.5 होता है, मतलब एक इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेमी से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये करीब 3000 आ जाएगा, 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर। अगर पर सेंटीमीटर 3000 लाइंस वाला ग्रेटिंग हमको मिलता है तो ये एन फ्रिंज का जो एन है ऑर्डर, वो एक दो और तीन, तीन तक, थर्ड ऑर्डर तक हमको वो हम नोटिस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 5000 लाइंस पर इंच बोलते हैं, तब इसको 250 से और डिवाइड करते हैं तो वो आएगा 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर। मैक्सिमम टाइप का जो होता है ग्रेटिंग, जो 2000 या 3000 का ही होता है, तो 3000 लाइंस होगा तो एक दो तीन थर्ड ऑर्डर तक हमको फ्रिंज पैटर्न आसानी से मिलेगा, और अगर 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर होगा तो सिर्फ एक और दो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर ही मिलेगा रिजॉल्व तरीके से, मतलब जो रैले रैले का जो रिजॉल्वेशन का जो फॉर्म जो तरीका है, वैसे जो रिजॉल्व ऑर्डर हमको मिलेगा एक और दो, और थर्ड अगर 3000 लाइंस पर सेमी होगा तो वो होगा 1, 2 एंड थर्ड ऑर्डर तक हमको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सीक्रेट चीज है, ये आपको देख के अंदाज आना चाहिए कि कितने ऑर्डर तक हम को रीडिंग लेना है। तो अब एम और एन का तो हो गया, अब थीटा क्या है वो प्रैक्टिकल जो टेबल है उसमें से ही हमको निकालना होगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं जो ये स्पेक्ट्रम वगैरह, जो स्पेक्ट्रम को लेकर जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वो जिस मशीन से करते हैं इसको स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। एक बहुत प्यारा सा एक नन्ना सा एपरेटस है, इसको सिर्फ थोड़ा प्यार देना चाहिए तभी ये अच्छे से रीडिंग देगा और प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसको थोड़ा प्यार देना होगा, कैसे, तो हमको स्पेक्ट्रोमीटर में हाथ लगाने से पहले हमको जान लेना है इसका पार्ट्स क्या क्या होता है। ये है, इसको बोलते हैं कोलीमेटर, ठीक है, और इसको बोलते हैं टेलीस्कोप। यहाँ पर एक क्रॉस वायर लगा रहता है टेलीस्कोप में, और इसको बोलते हैं प्रिज्म टेबल। और यहाँ पे एक इस साइड में और एक इस साइड में ऐसे करके हम दिखाते हैं, मान लेते हैं ये एक इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो ऐसे करके और ऐसे करके दो भार स्केल रहता है, सर्कुलर स्केल, और उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्नियर भी रहता है, ठीक है। तो इसमें से एक को हम वर्नियर ए बोलते हैं और एक को वर्नियर बी बोल सकते हैं, तो दोनों का ही रीडिंग लेना जरूरी है। तो ये होता है एक स्पेक्ट्रोमीटर। अगर
हाँ, अब हम शुरू करते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर से हम ये प्रैक्टिकल को करने वाले हैं। तो हम कैसे करेंगे, पहले शुरू से पहले सोर्स ओपन किया। तो सोर्स ओपन करने के बाद हमको देख लेना है ये कोलिमेटर, प्रिज्म टेबल और टेलीस्कोप, ये तीन चीजें एक लेवल पे है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखने के लिए हम लोगों को एक ऐसे तरीके का चीज दिया जाता है, इसको स्पिरिट लेवल बोलते हैं। स्पिरिट लेवल में एक बबल होता है, वो अगर यहाँ पे रहे और यहाँ पे रहे तो वो लेवलिंग गलत है, लेवल पे नहीं है। वो जब बीच में रहेगा तब वो ऑप्टिकली लेवल्ड है। इसको ये जो काम होते हैं इसको बोलते हैं ऑप्टिकल लेवलिंग। तो पहले इसको ऑप्टिकली लेवल करना होगा, ऑप्टिकल लेवलिंग तरीके से। पहले यहाँ पर रख के यहाँ पर स्क्रू होता है, स्क्रू को घुमा के ये पॉइंट जो बबल है वो मिड पॉइंट बीच में लाना है। फिर यहाँ पे बैठा कर इसमें भी एक स्क्रू होता है, स्क्रू को घुमा के इसको मिडिल पे आना होता है। अब उसके बाद लास्ट में ये प्रिज्म टेबल जब होता है, प्रिज्म टेबल को थोड़ा अलग तरीके से एलेवल करा जाता है, वो बोलते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं, एक प्रिज्म टेबल के ऊपर का हिस्सा ऐसा होता है और इसमें से एक तीन स्क्रू ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, पहले ये दोनों स्क्रू के अंदर रख के ये दोनों स्क्रू जो है वो दोनों एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको पहले लेवल करना है। दूसरे बार ये दो अगर इस दोनों के बीच जो हम रखेंगे तब ये दो स्क्रू को एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रख के इसको लेवल करना है। उसके बाद यहाँ पे रख के ये दोनों स्क्रू को एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके लेवल करना है। उसके बाद जो होगा वो तीनों चीज ऑप्टिकल लेवल्ड होगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल लेवल्ड होने के बाद जब हम डायरेक्ट रीडिंग लेंगे तो देखेंगे कि जो सोर्स से जो लाइट आ रहा है वो थोड़ा वो जो मिड पॉइंट मिड का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा मोटा है, वो उसको थोड़ा थिन करना होगा। और वो थिन करने का जो तरीका है वो सेकेंड प्रोसेस है, उसको बोलते हैं सूस्टर्स। सूस्टर्स मेथड। तो सूस्टर्स मेथड कैसे करते हैं, एक प्रिज्म लिया जाता है। प्रिज्म का क्या होता है, जो तीन पार्ट होता है, मतलब ऐसे करके ये तो दोनों साइड खुला रहता है और ये बेस का थोड़ा मतलब हेजी होता है और ये क्लियर रहता है। ऐसे करके प्रिज्म को रखते हैं यहाँ पे प्रिज्म टेबल के ऊपर। ऐसे करके रखने के बाद ये जो हम ऐसे करके रखते हैं तो ये जो पार्ट है मतलब जो हेजी पार्ट है वो उसको ये तरफ हम रखते हैं और जब ये दोनों साइड खुला रखते हैं। ठीक है, क्लियर दोनों फेस रखते हैं क्योंकि जब यहाँ से लाइट आएगा तो ये थोड़ा ऊपर हो गया है, लेवल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटा के अगर हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पे जो होगा, ऐसे करके प्रिज्म को रखते हैं हेजी साइड को उस तरफ रख के, लाइट यहाँ पे आके यहाँ पे रिफ्रैक्ट करके आते हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं इसको मिनिमम डेविएशन में सेट करते हैं। मिनिमम ऐसे आने के बाद हम ये प्रिज्म टेबल को घुमा के हम देखेंगे कि हम टेलीस्कोप में ये देख रहे हैं कि ये क्रॉस वायर है जो है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि जो लाइट का जो फ्रिंज है वो थोड़ा ऐसे करके
क्रॉसवायर क्रॉस करके यहां तक आकर फिर बाउंस करके इस तरफ चले आ रहा है, लेकिन हम लोग ये प्रिज्म टेबल एक ही दिक में घुमाते घुमाते जा रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ आया, फिर से बाउंस करके यहाँ पर चले गए। वो जो एंगल पे सेट हुआ उसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। ऐसे तीन चार बार करने से वो जो फ्रिंज होगा, फ्रिंज थोड़ा ये बहुत थीन हो जाएगा, तो जितना थीन कर पाओगे उतना रीडिंग लेने में आसान होगा, एरर कम होगा। ठीक है, तो प्रिज्म मिनिमम डेविएशन का जो डेफिनेशन होगा ऐसा ये होगा कि प्रिज्म टेबल इज रोटेटेड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन अंटिल दिस इमेज ऑफ द स्लिट एज सीन एट फर्स्ट बाय द नेक डाई एंड देन बाय द टेलीस्कोप अप्रोचेस एज नियर टू द डायरेक्ट पाथ ऑफ द रेस फ्रॉम द कोलिमेटर एज पॉसिबल। दिस पोजिशन इज नोन एज मिनिमम डेविएशन। मतलब हम जब कोलिमेटर से आते हुए लाइट को नेक डाई से देखेंगे तो ये सिर्फ ऐसा दिखेगा, अगर हम टेलीस्कोप से दिखेंगे तो थोड़ा मोटा दिखेगा। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा लाना है, ऐसा लाना तभी पाएंगे जब तक ये वो जो बोला प्रोसेस, हम प्रिज्म टेबल को घुमा घुमा के हम देखेंगे कि वो थोड़ा यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में घुमाते घुमाते हम देखेंगे कि लाइट जो फ्रिंज पैटर्न होगा वो यहाँ पे थोड़ा क्रॉस वायर क्रॉस करने के बाद फिर से वो बाउंस करके उस तरफ चले जाएगी। तो वो जो पॉइंट ऐसे करते करते वो एंगल सेट करते करते हम जो आएंगे उसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, ताकि हम टेलीस्कोप से भी ऐसा थिन एक फ्रिंज देखने पाए। अभी इसमें से दो चीज़ और ध्यान देना है, और एक है स्लैंटिंग पोजीशन और है नॉर्मल पोजीशन। स्लैंटिंग पोजीशन को क्या बोलते हैं, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ मिनिमम डेविएशन इज नोन एज स्लैंटिंग पोजीशन। और नॉर्मल पोजीशन क्या होता है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द प्रिज्म विल बी लेसर देन दैट ऑफ मिनिमम डेविएशन इज नोन एज नॉर्मल पोजीशन। तो ये दो पोजीशन के बारे में थोड़ा आइडिया रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छा होगा। तो अब जो आते हैं वो है माउंटिंग। तो आपने ऑप्टिकल लेवलिंग करके और शूस्टर्स मेथड करके टेली जो वो स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर को सारा का सारा पेयर दे दिया, अब वो तैयार है आपको अच्छे रीडिंग देने के लिए। ठीक है, तो ऑप्टिकल लेवलिंग और शूस्टर्स मेथड हो चुका है। तो अभी आपको वो प्रिज्म टेबल में क्या करना है, ग्रेटिंग को इंस्टॉल करना है। तो ग्रेटिंग इंस्टॉल करने का तरीका है, आप वो ग्रेटिंग को लेके सीधा उसमें टेलीस्कोप और कोलिमेटर के बीच में प्रिज्म टेबल में बैठकर नई रीडिंग ले सकते, उसका भी एक तरीका है, उसको कहते हैं माउंटिंग। तो माउंटिंग करने से पहले क्या करना होगा, माउंटिंग का जो प्रोसेस है, पहले आप जो कोलिमीटर से लेते हैं रीडिंग, डायरेक्ट रीडिंग ले लीजिए, प्रिज्म टेबल में कुछ ना रखे, उसका एक रीडिंग ले लीजिए। तीन रीडिंग आएगा, तीन बार ले जितने बार लेंगे तो उतना मीन करेंगे तो उतना आपको एरर कम आएगा। ठीक है, मान लेते हैं वो अल्फा, टोटल जो रीडिंग आया वो आया अल्फा। अभी मान लेते हैं अल्फा का वैल्यू आया है 120 डिग्री, इसको प्लस माइनस 90 डिग्री कर देते हैं, मान लेते हैं वो 210 या 30 डिग्री पे सेट करते हैं हम टेलीस्कोप को, तो टेलीस्कोप ऐसे पोजीशन में आ जाएगा यहाँ से घुमा के, बा तुम लोग यहाँ से यहाँ तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे टेलीस्कोप है, ये कोलिमेटर है। अभी हम लोगों को प्रिज्म टेबल में ग्रेटिंग को ऐसे बिठाना है जाकि जो लाइट होगा वो मैक्सिमम यहाँ पर आए। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे आए, मैक्सिमम आने के बाद वो जो रीडिंग होगा प्रिज्म टेबल घुमा घुमा के जो रीडिंग आएगा, मान लेते हैं वो रीडिंग मेन स्केल आएगा, वर्नियर रीडिंग आएगा और एक टी आएगा टोटल, वो उसको बीटा मान लेते हैं बीटा का वैल्यू आया है मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो उसमें से प्लस माइनस 45 डिग्री करना होगा,
मतलब आइदर 105 डिग्री या 15 डिग्री पे प्रिज्म टेबल अगर हम सेट करेंगे तो वो या कैसा होगा, प्रिज्म टेबल के अंदर ऐसे करके एकदम स्ट्रेट वो जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है वो बैठ जाएगा, तभी इसको फिर से टेलीस्कोप को अपनी पोजीशन में वापस कर देते हैं, ऐसे करके माउंटिंग बोलते हैं, ऐसे करके हम लोगों को प्रिज्म टेबल के ऊपर ग्रेटिंग को रखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो करेंगे, अब मान लेते हैं वो रीडिंग मिल गया है, ऐसे करके ये मिड रीडिंग होगा, ये लेफ्ट का फास्ट राइट का फास्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, लेफ्ट का फास्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर, ठीक है। ऐसे करके ग्रेटिंग रीडिंग आया है, तो जितना हो सके ज्यादा ऑर्डर की रीडिंग लेना बहुत अच्छा होगा कि ताकि रिजॉल्व्ड होगा। अगर 3000 का 2000 का लाइंस पर सेंटीमीटर का दिया है तो आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर ही दिखाई देगा, तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर से ही लेना है। अगर 3000 मिला है तो 3000 अगर मिला है तो फर्स्ट ऑर्डर दोनों को छोड़ के सिर्फ सेकंड और थर्ड ऑर्डर में फोकस करना है, ठीक है। तो इसका जो टेबल होगा, मान लेते हैं थर्ड ऑर्डर का 3000 लाइंस पर सेमी का हम ग्रेडिंग ले रहे हैं, तो उसका जो ऑर्डर नंबर होगा सेकेंड ऑर्डर का हम रीडिंग लेंगे, वर्नियर ए और बी दोनों का ही रीडिंग लेना होगा। टेलीस्कोप पोजीशन पहले ए के लिए लेफ्ट और राइट, बी के लिए लेफ्ट और राइट। पहले ए के लिए लेफ्ट मतलब लेफ्ट का मतलब इस ये सेकेंड ऑर्डर रीडिंग ले लिया और बी का लेफ्ट का रीडिंग ले लिया। उसके बाद राइट का सेकेंड ऑर्डर जाएंगे, ऐसे करके लेंगे, तीन तीन करके लेंगे तो मीन लेंगे तो अच्छा होगा। तो अभी ये जो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर लेफ्ट और राइट का है, ये लेफ्ट का ये राइट का, ये दोनों का जो फासला होगा ये होगा जो एंगल वो उसको बोलते हैं 2 थीटा। हम लोग बोल रहे हैं कि थीटा कैसे फाइंड करना है, और लेफ्ट का थर्ड ऑर्डर और राइट का थर्ड ऑर्डर का बीच का जो डिफरेंस एंगुलर डिफरेंस होगा वो 2 थीटा होगा, ठीक है। ये दोनों चीज ध्यान देना चाहिए। तो अब हमको कॉरिस्पॉन्डिंग 2 थीटा मिल जाएगा, ये लेफ्ट यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट से राइट को माइनस करके और लेफ्ट से राइट को माइनस करके बाद में एक मीन निकलेगा। तो उसके बाद मीन पहले नहीं निकाल के मीन बाद में निकाल लो, एक सेकेंड ऑर्डर के लिए और एक थर्ड ऑर्डर के लिए दोनों 2 थीटा का वैल्यू आएगा, ठीक है। मान लेते हैं एक्स 2x आया और 2y आया, तो यहाँ पे या कॉरेस्पॉन्डिंग एक लैम्डा आएगा, साइन 2x बोला था तो 2x/2 करके x मिलेगा, sin x/mn। और यहाँ पे लैम्डा 2 के लिए और लैम्डा 3 के लिए मतलब सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के लिए, यहाँ पे sin y होगा डिवाइडेड बाई एम होगा एन होगा, ऐसे करके दोनों लैम्डा हम निकलेंगे इवेलुएट कर सकेंगे। उसके बाद जो होगा मीन लेंगे, λ2 + λ3 / 2, ऐसे करके जो लैम्डा आएगा वो होगा वेवलेंथ ऑफ द सोर्स, लाइट ऑफ द सोर्स, ओके। तो ऐसे करके हमको ये इवेलुएट करना है, अगर एम का वैल्यू निकलना होगा सेम प्रोसेस होगा, तब हम लोगों को लैम्डा का वैल्यू पता होगा। अगर लैम्डा वैल्यू निकालना है तो हम लोगों को एम पता होगा, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है। अगर ये मिला तो ये दे दिया जाएगा, अगर ये मिलना है तो ये दे दिया जाएगा, और जो होगा वो सब ऐसे करके होगा ये प्रोसेस से, ठीक है। तो इस वीडियो में अब इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे फर्दर कुछ प्रैक्टिकल के बारे में अपलोड करने के लिए। तभी तक नहीं, खुश रहिए, अच्छे रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरा चैनल, और लाइक कमेंट कीजिए कैसा हुआ बताइए। धन्यवाद।